हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपके लिए आज मैं लेके आई हूँ सूजी के लड्डू। सूजी के लड्डू हर किसी को अच्छे परफेक्ट नहीं बनते हैं, इसलिए मैं आपको एक सरल तरीका बताऊंगी, उससे आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई रखनी है हमें। कढ़ाई में डालेंगे हम घी, आपको जितना बनाना है उस हिसाब से डालना है। तो यहाँ मैं 1/2 किलो सूजी ले रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक छोटी कटोरी घी का इस्तेमाल किया है सूजी को भूनने के लिए। तो वो डालेंगे सबसे पहले हम कढ़ाई में। जैसे घी पिघल जाएगा, तो घी हमारा अच्छे से पिघल गया है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी, ये बारीक वाला सूजी लिया है। आपको भी लड्डू बनाने के लिए बारीक वाला सूजी का इस्तेमाल करना है। तो वो डाल देंगे हम इसमें, और गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल लो रख देनी है कि हमारा सूजी अच्छे से भून जाए। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और इसे भून लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। सूजी हमारा भून रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, चाशनी बनाएंगे इसमें डालने के लिए। तो चलिए चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए लिया है मैंने 1/2 से भी कम शक्कर। जितना आपको मीठा पसंद है उतना आप डाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे थोड़ा कम मीठा पसंद है, इसलिए मैंने 1/2 से कम ही लिया है। जितना सूजी लिया है उससे मैंने कम लिया है। तो बस यहाँ हमारी चाशनी भी बिल्कुल रेडी है। देखिए इस तरीके से बस चाहिए हमें। अब गैस को करेंगे बंद हम। आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए इसकी कोई भी तार नहीं बन रही है, ऐसी चाशनी हमें इसको चाहिए। तो देखिए यहाँ हमारी सूजी भी अच्छे से भुन गई है, देख सकते हो आप इसको कितना बढ़िया कलर आया है। ज़्यादा भी हमें ब्राउन नहीं करना है। हम इसमें डालेंगे तैयार की हुई चाशनी। एक साथ सारी हमें नहीं डालनी है, हमें चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मिक्स कर लेना है इसे अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। यहाँ मैंने थोड़ा सा ही इलायची पाउडर लिया है। अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर पसंद हो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे ढक्कन, और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। यहाँ हमारे मिनट पूरे हो गए हैं, चेक करेंगे अब हम इसको। देखिए जितनी भी हमने चाशनी डाली थी वो पूरी सूजी ने सोक कर ली है, और इसको ऐसे हम तोड़ेंगे, पूरा जम गया है। हल्के हाथों से टूट जाता है, ये ज़्यादा पक्का नहीं है। तो ऐसे तोड़ेंगे इसको, फिर से हम पाउडर बनाएंगे इसका ऐसे। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से फोड़ लिया है। अब हम हमारी बची हुई चाशनी डालेंगे फिर से। ये प्रोसेस हमें दो बार करना है, पहले एक बार और अभी एक बार। फिर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम फिर से ढक्कन रख के इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ हमारे मिनट पूरे हो गए हैं। अब ये अच्छे से सूजी फूल गया है, आप देख सकते हो। तो अब ये लड्डू बनाने के लिए तैयार है। अब हम इसके छोटे छोटे ऐसे लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लड्डू के ऊपर ऐसे लगाने के लिए बादाम को बीच में से कट करके उसके दो टुकड़े कर लिए हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, इसलिए हम लड्डू के ऊपर इसे लगाएंगे। तो ऐसे लेंगे छोटा सा, और इसको हाथों में दबा के इसको लड्डू का शेप दे देंगे। देखिए मैं कैसे करती हूँ, वैसे ही करिए आप भी।
आपके लड्डू बिल्कुल गोल बन जाएंगे। तो देखिए ये कितना गोल सा बना है हमारा ये लड्डू। तो ऐसे लेंगे बादाम का टुकड़ा और इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे, हम थोड़ा सा दबाएंगे तो ये अच्छे से चिपक जाता है। फिर देखिए इस तरीके से लग रहा है ना एकदम बढ़िया। तो रख देते हैं इसको प्लेट में। तो उसी तरीके से दूसरे भी लड्डू हम बना लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं मेरे सारे लड्डू जो है बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। 1/2 kg सूजी था मेरा, तो 10 लड्डू बने हैं आराम से। तो इसको सर्व कर लेती हूँ मैं एक छोटे से ट्रे में, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। बहुत आसान रेसिपी है ये, आप एक बार इसे ज़रूर बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और ये इतने सॉफ्ट भी बनते हैं लड्डू ना, कि मुंह में जाते ही ये बिल्कुल घुल जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि लड्डू बाद में बहुत कड़े हो जाते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बनाओगे तो आपके लड्डू बिल्कुल सॉफ्ट ही रहेंगे। तो देखा आपने कितना सिंपल था ये सूजी का लड्डू बनाना। आपको मैं एक लड्डू को तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखिए ये कितने आराम से टूट रहा है। तो रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।